अभी हम हैं अयोध्या के सबसे ऊंची बिल्डिंग पे और पीछे के साइड में आप राम मंदिर भी देख सकते हैं। अगर तो हम लोग अभी जाने वाले हैं उस वाले बिल्डिंग पे, अभी शूट होने वाला है और हम लोग अभी शूटिंग करने वाले हैं। अभी हम हैं अयोध्या के सबसे ऊंची बिल्डिंग पे, जो कि फैज़ाबाद में यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा था और बीच में बंद हो गया कुछ प्रॉब्लम की वजह से, गवर्नमेंटल प्रॉब्लम थी उसकी वजह से। इस बिल्डिंग से पूरा आप अयोध्या का पूरा सीन देख सकते हैं। आप पीछे का देखिए, अभी कुछ आपको सिनेमेटिक तरीके से भी दिखाएंगे, बहुत अच्छा व्यू आता है यहाँ से देखने में। बगल में ही हाईवे है अपना, नेशनल हाईवे 27, और पीछे के साइड में आप राम मंदिर भी देख सकते हैं। अगर कैमरे में आ रहा होगा या नहीं हमें नहीं मालूम, लेकिन पीछे के साइड में ये बड़े बड़े क्रेन दिख रहे हैं जो आपको यहाँ से अयोध्या का राम मंदिर भी दिखता है, और पीछे का आप सिटी भी देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे देखने में, बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। और ये नीचे के साइड में देख सकते हैं, काफ़ी डरावना है यहाँ पे, कोई रेलिंग वगैरह भी नहीं, काफ़ी ऊंचे पे बिल्डिंग बनी हुई है और चलने में बहुत डर लगता है यार। इस साइड में तो रेलिंग है, लेकिन बाहर के साइड में जिस तरफ से लोग गिर सकते हैं उस तरफ पे रेलिंग ही नहीं लगी है, कोई ऐसा कुछ लगा ही नहीं है लोहे का कि जिससे सपोर्ट रहे, कोई भी कुछ नहीं है ऐसा सपोर्ट। अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं, नीचे से फिर देखते हैं। तो गाइज, अभी मैं इस जगह पर हूँ, आपको बिल्कुल बिलीव नहीं होगा, मैं अपने जहाँ पर मैं बचपन में पढ़ता था, यानी 3rd 5th में, उस टाइम का ये स्कूल है, मैं उस टाइम में यही स्कूल में आता था। और आप ये हालत देख सकते हैं स्कूल की, अभी तो ये बंद हो गया, अभी वर्क में नहीं है, अभी चल नहीं रहा ये, मतलब अभी कुछ दिन पहले तो चल रहा था, लेकिन बाद में धीरे धीरे बंद कर दिया इस स्कूल, क्योंकि उतना चलता नहीं था। और मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मैं इस स्कूल से पढ़ के मैं आज ये मुकाम पर हूँ कि मुझे इतना कुछ आता है। इसी स्कूल से मैंने इतना कुछ हासिल करा है, आप सब मिले हो, इतना बोलने का ढंग तरीका ये सब मिला है, बहुत बहुत थैंक यू स्कूल को। और हम लोग इसी जगह पे ऐसे स्कूल से आते थे हम लोग, ये सीढ़ी से ऐसे ऐसे, जब इंटरवल होता था लंच टाइम में तो हम लोग ऐसे अक्सर यहीं पे बैठे रहते थे, स्टंटबाजी करते थे। और सामने उधर उस साइड में हम लोग पतंग देखते थे, क्योंकि उधर पे पतंगबाजी होती थी, तो हम लोग जाके पतंग देखने जाते थे उधर। और उधर उस साइड में नाला है, बहुत बार हम उसमें गिर भी चुके हैं। तो जैसा कि अभी आपको पता नहीं आवाज़ आ रही है कि नहीं, बिल्कुल मालूम नहीं है मुझे, लेकिन मुझे आ रही है। और आज बताना चाहूँगा मैं आपको कि आज है मुहर्रम, तो हम लोग चल रहे हैं मेन मार्केट की तरफ, जहाँ मेन रोड जाती है, उधर से ताजिया वगैरह आपको दिखाते हैं, अगर अभी जा रही होगी तो अभी चल के दिखा रहे हैं आपको। तो चलिए चलते हैं। तो ये हम लोग की कॉलोनी है, मतलब हम लोग इधर से आते जाते थे ज़्यादातर, अभी तो नहीं आते क्योंकि नानी, मतलब जहाँ मैं नानी के यहाँ रहता था वहाँ का है।
तो हम लोग अभी मेन मार्केट में चल रहे हैं, अभी इसे सीधे जाएंगे, राइट मुड़ के सामने ही मेन मार्केट पड़ेगी, हम लोग उधर जा रहे हैं। मौसम बहुत अच्छा है गाइस, खूबसूरत सा माहौल यार, यहाँ का रोड का काम तो ख़त्म ही नहीं होने हो रहा है। अरे रवि भाई जा रहा है मेरे क्लास में, भाव नहीं दे रहा देखो, बहुत तेज़ी से जा रहा है, बहुत तेज़ी। अभी सबको लगी है बहुत तेज से भूख, और हम लोग जा रहे हैं अभी खाने, बहुत ज़्यादा मन कर रहा है खाने का। खाओ खाओ भाई, ये पहला आप खाओ। मेरे सामने की तरफ आप जो देख रहे हैं ये स्टार्ट हुआ है, अभी लगाया, अभी स्टार्ट हो रहा है, अभी काफ़ी टाइम लगेगा, बट अभी आपको स्टार्टिंग दिखा रहे हैं, फिर अगर नहीं होता है तो हम लोग अभी जाएंगे मेन चौक पर। सिटी मैक्स आ ए मैक्स मैक्स, भैया भाव ही नहीं दे रहा भैया, ये तो जब बेइज्जती है। मैक्स ना 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 इधर आओ, आओ 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 यहाँ इधर दोस्तों। अभी स्टार्ट हो गया है यहाँ पे मोहर्रम, और अभी हम लोग यहाँ पे हम लोग का ऑर्डर आ चुका है, तो हम लोग पहले जाएंगे वहाँ पे कुछ काम करते हैं। जाती है तो 300 के नीचे गाड़ी। तो दोस्तों अभी हम लोग मैगी पार्टी कर रहे हैं, और ये देख सकते हैं ये दोनों लोग पहले खा चुके हैं, हम लोग बाद में आए, तो हम लोग इन लोग को बस खाली से शकल देखेंगे, इन लोग हमारा और हम लोग सिर्फ खाएंगे, और इन लोग बैठे रहेंगे, ये और ये सिर्फ हम लोग खाने वाले हैं, और अभी चलते हैं इसके बाद में घर। ओवरनाइट हो गया बात कर रहे हो यार, बचकानी हरकतें चालू हो गई हैं, लड़ाई झगड़ा चालू। क्या हुआ भाई, गुस्से में लग रहे हैं बहुत, ये भुट्टा खा के जी भुट्टा खा के।